देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। पड़ोसी राज्य की साफ हवा और प्राकृतिक सुंदरता दिल्ली वासियों की सांसों को तरोताजा करने के लिए बेहतर विकल्प बन गई हैं। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ दिनों से पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। लोग रोमांचक जंगल सफारी और इलाके के शांत वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। क्या है इस समय जो पर्यटन है, हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने चरम सीमा पर है और दिल्ली में इस वक्त जो है बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। वहाँ स्कूलों में छुट्टियां भी पड़ी हुई है, तो जितने भी हमारे टूरिस्ट है, दिल्ली के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले, पंजाब से रहने वाले, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, यहाँ परिवार के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आ रहे हैं। लोग देवभूमि की प्राचीन जगहों, वन्य जीवन और खुली हवा में सांस लेकर खुश हैं। कुछ सैलानी प्राकृतिक नजारों का भी आनंद ले रहे हैं। आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और सफारी करने वाले हैं। यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है, एनवायरनमेंट बहुत इको फ्रेंडली है, इसलिए हमें यहाँ रहना पसंद आ रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। फॉर नाउ यहाँ पे नासिक में, दिल्ली में, मुंबई में बहुत पोल्यूशन हो गया है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में जैसा है वैसा नहीं है बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, सांस लेने की बहुत दिक्कत हो रही है, इससे थोड़ा टाइम निकाल के हम इस जगह पे जिम कॉर्बेट में आए घूमने के लिए। थोड़ा सांस लेने में अच्छा लग रहा है और थोड़ा हेल्दी लग रहा है यहाँ पे। हम यहाँ घूमने आए हैं क्योंकि सब तरफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है, बहुत हरा भरा जंगल वगैरह, सफारी वगैरह एकदम बढ़िया है, तो यहाँ थोड़ी मतलब एंजॉय करने आए परिवार के साथ। बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू ग्रेव 4 की वजह से दिल्ली में BS3 और BS4 बसों पर रोक लगी है। इसी वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम को यात्रियों के लिए वैकल्पिक बसों की व्यवस्था करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण के कारण यात्री सभी पहाड़ों की तरफ जहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ जा रहे हैं, काफी दिक्कत हो रही है प्रदूषण के खाते, और बसें नहीं मिल पा रही है, उससे बहुत सारी दिक्कत हो रही है लोगों को, और देख रहे हैं आप यहाँ पे लोग कितने परेशान है बसों के चक्कर से। नवंबर महीने में दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन इससे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को फायदा हो रहा है।